वाले नहीं, अर्चना आखिर इन सब बातों के लिए मानी कैसे? सुना नहीं, वो तलाक ले रही है और उसके बाद उसका तो इस घर से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अभी अर्चना की तलाक तो हुई नहीं है ना। हाँ, अभी है तो वो पानों की पत्नी ही, तो मानो इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकता है दूसरी सगाई के लिए। अरे ये सब सविता ताई की चाल, अब श्रावणी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सविता ताई उसे जकड़ के रखना चाहती है। ये सब सगाई वगाई है ना, सब दिखावा है, नाटक है। छोड़ो हमें क्या, चलो हम अपना काम करें। हाँ, हमको क्या करना है। हो गई दिल की तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। झांसी की रानी बनने गई थी ना, क्या जरूरत थी सच सच बोलने की। बात जितनी छिपा के रखते वो छिपने देती। हा? नहीं लेकिन तुझे शौक है ना हमें बेइज्जत करने का। नहीं है, अब मुझे गलत समझ। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सच समझ गई हूँ मैं। तू हमसे बदला लेना चाहती है, नहीं चाहती मानव और श्रावणी का साकरपुड़ा हो। इसके घर से जल्दी आई और हमारे छाती पे बैठ पकड़। मेरा सोचे समझे अर्चना पे इल्जाम लगाना बंद करो। मानव नहीं आई, अर्चना अपनी मर्जी से नहीं आई है बल्कि मजबूरन आई है ताकि ये सगाई आराम से हो सके। अरे लेकिन मानव तू, और जहां तक बात फैलाने की बात, तो अभी बात तो सच, आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी, फिर आज क्यों नहीं? अरे लेकिन मानो तू ऐसी, अर्चना ने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच्चाई है सबके सामने रखी। और अगर अर्चना सच बोल सकती है तो हमें भी सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और उन लोगों के बारे में क्यों सोचे, वो लोग दर्द बांटने के लिए नहीं आए। हमारी जो किस्मत है हम उसे भुगते ही। जो जो काम आज अर्चना ने किया तो तुझे करना चाहिए। क्या कहा तूने? मैं जाके अपने मुंह से सबको बोलूं? क्यों नहीं कह सकते? जब तुझे हमारी सगाई कराना सही लग रहा है तो सबको सच बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? मानो ठीक कह रहे सविता। अच्छा हुआ आज ये बात सबके सामने आ गई, श्रावणी को अपना एक स्थान तो मिल गया। अब कम से कम चाल वालों की नजरों के सामने इसे यहां रहने को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठेंगे। सविता ताई अब छोड़ो भी, एक तरह से जो कुछ भी हुआ ना अच्छा ही हुआ। अब इस बात को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने से क्या हासिल होगा? आज तुम्हारे घर में शुभ कार्य संपन्न हुआ है, उस खुशी को यूं ही बनी रहने दो, ठीक है? अच्छा अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अनुजा सबको नीचे तक छोड़ के आ जा। क्या मस्त है, मानना पड़ेगा गिरीश भाऊ के पसंद, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर तोहफे दिए है श्रावणी को। वंदु सही मायने में मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरी नई बहू। इसके घर आने से हमारे घर में खुशियाँ, सौभाग्य, खुशहाली आ गई है। और इन सारी तोहफों को देख के आगे का अंदाजा भी आ गया है, नहीं तो पहले बार ठन ठन गोपाल। आज मुझे लग रहा है मेरे बेटे का साकर पड़ा हुआ है। श्रावणी
अरे बाप रे, ये क्या नाटक है? लगता है मेरी नई बहू के लिए कुछ तोहफा लाई है। वाह बंधु, माना बेटा बाहर आओ, देखो देखो माना, तेरी पुरानी वाली नई बहू के लिए देख क्या लाई है। ये सब देने से पहले इन सारी चीजों पर नजर डाल दे, आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तू अपने आप समझ जाएगी तेरी औकात, तेरी हैसियत मेरे नई बहू के मुकाबले में तू एक नंबर की कारण है। आई प्लीज श्यावनी बेटा, तू बहुत भोली भाली है, तू इसके दाव पे जानती नहीं, लेकिन मैं इसे कैसे निपटना है बराबर जानती हूँ। लेकिन आई ये नहीं, नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये क्या जताना चाहती है? ये बड़े दिल वाली है, बड़ी महान है, लेकिन इसे पता नहीं ऐसे बड़े दिल वालों को मैं अपनी जूती के नोक पे रखती हूँ, समझी तू? मैं तो क्यों बात खींच रही हूँ? अगर अर्चना श्रावणी को कुछ देना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? पूरी कोशिश कर रहे हैं हम इस घर में शांति बनाए रखने की, पर तू है कि क्या कहा तूने? क्या कहा? तो मैं शांति बिगाड़ती हूँ? मैं शांति बिगाड़ती हूँ? झगड़े की शुरुआत मैं पहले कभी नहीं करती, ये उल्टी सीधी हरकतें करती है जिसको देख के मेरा सर घूम जाता है, फिर मैं बक देती हूँ कुछ भी। तू इसको बोल अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करे, मैं मेरा मुंह सिलवा दूंगी। बोल दे, देख क्या रही है, हीरे मोती लाई है ना, दे दे और चल की पर चल। श्रावणी आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए इनके अलावा और कुछ नहीं है। दिखने में तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन दुनिया में इनसे बड़ा और कोई नहीं है। ये शुभ भी है और आशीर्वाद भी। भाई इतना तो हक बनता है ना, मैं उसे पापा की मूर्ति दे सकूं, इन्हें तो आप भी मानती है ना, और मैं जानती हूं कि आप इस तोहफे से कभी नाराज नहीं हो सकती। आज के दिन इससे तोहफा तो मैं नहीं मिल सकता।